जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव करते हुए विकास कार्यों को और गति प्रदान किया जाए और विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई न किया जाए, साथ ही जो प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के इलाज में लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने DSO को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण में सही वितरण न होने पर कोटेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने जनपद में धान खरीद की जानकारी लेते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुसार धान की खरीद को सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने सामुदायिक शौचालय के निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने सड़क निर्माण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, पेंशन वितरण, विद्युत आपूर्ति, नहरों की शील्ड सफाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा, खाद की उपलब्धता और कोविड के संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक महेंद्र पाल सिंह, शीतल पांडे, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जी